विधानसभा से अब मिर्ची बाबा जी का भी डॉक्टर राजकुमार देशलहरा को पूरा सानिध्य मिल चुका है और ऐसी स्थिति में गोहद विधानसभा में माना जा रहा है कि स्थानीय प्रत्याशी के रूप में आप डॉक्टर राजकुमार देशलहरा को गोहद विधानसभा की जनता अपना उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर सकती है। आपकी जन अदालत सी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर गोहद विधानसभा में लोगों ने अब डॉक्टर राजकुमार देशलहरा का चर्चा शुरू कर दिया है। राजकुमार देशलहरा के साथ हमारा गांव संघ है, मैदान की जंग में खड़ा है, हाथ उठा रहा है, नीचे बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब तो भैया साथ है, एक सब हाथ उठाओ, ताली बजाओ। राजकुमार जैसे लगनशील मेहनत करती जिसकी गांव-गांव में पहचान है, हर मजरा हर टोला हर क्षेत्र में पहचान है, हर ग्राम पंचायत में उनकी पहचान है, ग्राम पंचायत के अंदर काम किया, उन्होंने मेहनत की है, गांव-गांव मीटिंगें की हैं, गांव-गांव जनता के बीच में उनका दुख दर्द बांटा है, जनता की सेवा में समर्पित भाव से कार्य किया है। इसलिए मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, राजकुमार देशलहरा ही सबसे योग्य प्रत्याशी है, उन्हें टिकट मिलना अनिवार्य है। यही हमारे बीच में रहे और जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, अगर उसको टिकट मिलता है तो हम क्या उससे पहचान बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। जैसे हमारे भैया देशलहरा जी है, ये हमेशा, मैं एक किसान हूँ, किसानों के बीच में रहे हैं, जब भी हम इनसे बुलाते हैं हमारा दर्द सुनते हैं और हमारा दर्द अधिकारियों के शासन प्रशासन के बीच में रखते हैं और ये जब भी वक्त पड़ता है तो हमारे दुख दर्द में साथ रहते हैं, किसानों के साथ में रहते हैं और ऐसे ही व्यक्ति की हमें ज़रूरत है और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही व्यक्ति टिकट लेकर आए और हम कांग्रेस को जिताना चाहेंगे। अच्छा, और से हमने भाजपा की हमने पूरी मदद करी, ये अगले चुनाव पे जाए के देशलहरा जी की बदौलत 40 लोग बीजेपी को छोड़कर और हम जामे देशलहरा की बदौलत के हमारा देशलहरा हमारा काम करेगा। अच्छा, राजकुमार देशलहरा को अगर कांग्रेस पार्टी अगर मैदान में उतारती है तो आपके क्षेत्र की जनता का उनके प्रति क्या सपोर्ट पूरी रहेगी? हमारे जाट समाज पूरा ही उनकी मदद में और रहा है। पूछिए रणवीर विधायक को कि जाट समाज कांग्रेस में, आंसवाली का सरपंच जय सिंह जे, हम लोग पूरी टीम की टीम 40 लोग सिंधिया जी के सामने और वहां पर गोद में हम उपस्थित हुए थे राजकुमार देशलहरा के साथ में। राजकुमार देशलहरा यहाँ से चुनाव निकाल पाएंगे? देश हर काम में राजकुमार की जे तो हमारी तो खैर है कि जो है कि आदमी जो कहेगा कि जे जनता की राय, जनता की हर काम में राय ले जाए कि देशलहरा का कितने प्रभाव है, न तो मेवाराम का न संजू का और ना ही और हैं जे कहने देसाई वगैरह कोई भी नहीं है सिवाय देशलहरा के, और कोई सीट नहीं निकाल पाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही है कि हम देशलहरा की वो करेंगे और देशलहरा को टिकट नहीं मिलेगा तो हम भी हाँ रहेंगे जरूर कांग्रेस में, लेकिन हम दुखी रहेगा, मन दुखी रहेगा हमारा। अच्छा हाँ, राजकुमार देशलहरा को लेकर आपकी काफी उम्मीद है? हाँ, पूरी उम्मीद है कि हमारी सुनवाई आगे चल के हम दुख दर्द में साथ रहते हैं वो लोग। अब जैसे मान लो कि हमारे गांव में एक छोटी सी समस्या है पानी की, आज 20 साल से कई विधायक और जिला पार्षद भी रह चुके हैं लेकिन किसी ने कोई आज तक हमारी कोई नहीं सुनी और जब भी हमने ये आवाज़ उठाई है तो देशलहरा जी ने आकर हमारे गाँव में हमारी सुनी। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा राजकुमार देशलहरा का प्रकोप ज़्यादा है क्योंकि वो हाँ हमारे क्षेत्र में और उनकी जो एजेंसियाँ हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं, उनका जो कन्वर्ट और जुझारू नेता है। अच्छा, क्षेत्र में आते जाते रहते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं। अच्छा, हाँ हमारे गांव में ही 2-4 बार घूम गए हैं। और भी आपके समाज क्या उनके प्रति क्या रुझान रहेगा? नहीं, हमारे समाज और हम तो यही कहेंगे हमारे समाज के प्रति के जो जुझारू हुए कर्मठ है और जो घूमने फिरने वाले हैं कि हमारे यहाँ आ सकें और हमारी मदद कर सकें, उनके साथ ही रह सकते हैं। हम और हमारा समाज इस बात को चाहता है कि अब की बार स्थानीय उम्मीदवार हो और युवा और शिक्षित उम्मीदवार हो और ऐसा उम्मीदवार सिर्फ देशलहरा के अंदर, हमें कुछ एक लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं
कि हमारा समाज इसके लिए एकत्रित हो सकता है। बहन जी क्या नाम है अपना? रानी संगवार हूँ और वार्ड नंबर 13 से रहने वाली हूँ, संगवार पूरी समाज से। बहन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपके क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं और इस बार आपकी क्या राय उपचुनाव को लेकर, यहाँ से किस तरह का आप विधायक चुनना चाहेंगी? यहाँ तक अभी तक तो बहुत नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, लाल सिंह आर, रणवीर यादव, रणवीर जाटव, उन्होंने अभी तक कुछ भी जनता कुछ भी काम नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जनता कुछ काम हो और देश लहरा है वो हमारे बीच में आती हैं, जब ना कुछ होती हुई भी हमारा बहुत सा गैस एजेंसी है उनकी, जब भी फ़ोन करो तुरंत फोन सिलेंडर आता है, और पानी की भी समस्या जैसे टैंकर वैंकर से पानी लेना पड़ता है हमको, और अभी तक हमारी महिला की कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हुई है। हाँ अच्छा, आप ये उपचुनाव को लेकर राजकुमार देसलेरा जी की जो मांग कर रही हैं, ऐसी क्या वजह है, वो जनता के बीच में रहते हैं? हाँ जनता बीच में अभी कुछ नहीं है, तब भी हमारे बीच में आती हैं और हमारा काम भी होता है, और यहाँ पर उनका मकान है, यहाँ पर के रहने वाले हैं, तो जैसे हमारा अभी भी ना होती बहुत कुछ काम होता है, आगे हम चाहते हैं देसलेरा यहाँ के विधायक बने। अच्छा आपकी उम्मीद है उनसे कि अगर इस बार उनको मौका मिलता है तो आप लोगों का समर्थन उन्हीं के लिए है? हाँ हाँ यही चाहते हैं कि यहाँ पे क्या उन्हें टिकट मिले, तो आप लोगों का भरपूर उनके लिए भरपूर संपर्क। अच्छा और भी महिलाओं की यहाँ ऐसी क्या क्या समस्याएं मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए, और बीजेपी ने जैसे वादा किया था 3 मंजिल पानी का, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? 3 मंजिल तो पानी अभी बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक मतलब पीने के लिए पानी की भी समस्या है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या पानी की है ये, और मजदूरी लेडीज घर पे बैठी रहती हैं, उनके लिए कोई मजदूरी नहीं है, और लेडीजों की मजदूरी कार्ड वगैरह और राशन कार्ड भी नहीं है, तो महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। हम चाहते हैं दिस लहरा आए और महिलाओं की समस्या सॉल्व करें।